नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। हम अपने आचार्य जागेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। 10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे धनतेरस के दिन आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस छोटे से प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद साबित होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रभावशाली पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे धनतेरस के दिन आपको छू करके आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस शक्तिशाली प्रभावशाली वृक्ष को धनतेरस के दिन छू कर आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा और धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, धनवंतरी भगवान और कुबेर जी और गणेश जी जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, आप सोच में पड़ जाएंगे, इतना धन आएगा आपके जीवन में कि आखिर लोग सोचेंगे कि इस व्यक्ति के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक नहीं बल्कि दो वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आपको चुपचाप छू करके आ जाना है, फिर उसके बाद आप स्वतः अपने जीवन में चमत्कार देखना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, वैसे तो धनतेरस का जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सबसे प्रिय वस्तुएं भी खरीदी जाती है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सोने चांदी पीतल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदी जाती है और धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 11:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा जो कि रात्रि 8:30 तक रहेगा। त्रयोदशी प्रारंभ होगी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:36 से शुरू और ये अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ समय धनतेरस पर सोने और चांदी बर्तन घर में कोई भी चीज़ खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है ये दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं, यानी कि 11 नवंबर को भी आप 1:56 से पहले पहले खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाए तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि धनतेरस का पावन पर्व माता लक्ष्मी जी और धनवंतरी कुबेर जी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का यह पावन पर्व धनतेरस के त्यौहार से सबसे पहले दिन से मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है। दिवाली पर और धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख संपन्नता, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करने का भी बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती, ऐसी वस्तुएं खरीद कर ना लाएं जिससे अशुभता हो जाए। धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीजें खरीदने से माता लक्ष्मी जी की कृपा और
साथ ही साथ धनवंतरी भगवान की कृपा बरसती है। इस बार के धनतेरस पर कई सारे दिव्य और दुर्लभ महाशिव संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण अगर आप धनतेरस के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धनवंतरी भगवान की कृपा भी बरसेगी और आपके जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय धन्वंतरी भगवान जरूर लिख दीजिएगा, और हाँ दोस्तों अपनी राशि भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमें आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय बन पड़ेगा हम आपके कमेंट में आकर रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों फिर से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्र से संबंधित जानना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे ही मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं, पेड़ पौधे के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक मिनट भी टिक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्ध ऑक्साइड शरीर से निकालते हैं उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे में इंसान को न सिर्फ शीतलता और छाया प्राप्त होता है बल्कि फल फूल लकड़ी सभी प्रकार के वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा गुणकारी बताया गया है। अनेक प्रकार की बीमारियों का आप पेड़ पौधों के माध्यम से फ्री में इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी बहुत सी ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों जो पीपल का वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, और दोस्तों पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको धनतेरस के दिन बस छू करके आपको आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार से बदलेगा। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है जो लोग रोगनाशक होने के साथ साथ धनदायक भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों वृक्ष भी आपके लिए प्रभावशाली साबित होंगे। दोस्तों जब इन वृक्षों को छूने जाएंगे तो आपके पास लौंग और कपूर होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर लौंग और कपूर को जलाना है। दोस्तों लौंग और कपूर को आपको उस वृक्ष के नीचे जलाना है और उस वृक्ष को छू करके अपनी मनोकामना बोलना है। आप जो भी समस्या है आपकी, आप मन ही मन उस समय उस समस्या को उस वृक्ष को बोल दें। दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दोष लगा है, चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, राहु दोष हो, काल सर्प दोष हो, शनि दोष हो, या फिर किसी प्रकार की हाय लगी हो, तो वह वृक्ष उन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेगा और वह वृक्ष उनके प्रतिरूप में अपनी एक छोटी सी डाली को तोड़ देता है। धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसा करने से उसी दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों पारिजात के वृक्ष को सबसे उत्तम वृक्ष कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, जिसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का विचार किया। अगर आप हिंदू कथाओं को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य मालूम होगा। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में हद से ज्यादा थकान होती है, आलस होता है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को छू लेता है धनतेरस और दीपावली के दिन, तो उसके सभी प्रकार की थकान और आलस्य दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वृक्ष को छूते ही सभी प्रकार की मनोकामना भी धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है। दोस्तों धनतेरस और दीपावली के दिन मोक्ष के बाद आपको, यानी कि पूजा पाठ करने के बाद आप इस वृक्ष को आप छुए और नीचे एक दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं है तो आप सरसों का तेल का दीपक भी, तिल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो लौंग और कपूर ले रखे हैं
उसे आपको वहां पर ही जलाना है और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देना है और वहां पर मक्खन का भोग आपको लगाना है। दोस्तों, इस वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। साथ ही धन्वंतरी भगवान ही बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की हाय लगी है, किसी प्रकार के दोष लगे हैं, मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, किसी प्रकार की बुरी नजर लगी है जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो दोस्तों आपको धनतेरस दीपावली के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना है। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आसपास पारिजात का वृक्ष मौजूद नहीं रहता, तो अगर आपके पास पारिजात का वृक्ष नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस दिन शमी का वृक्ष छूकर आ जाए। शमी का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही यानी कि शुभ माना जाता है, तो आप शमी के वृक्ष को भी छूकर आ जाएं। दूसरा है जिस वृक्ष के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वह वृक्ष है मदार, सफेद मदार। जी हाँ, सफेद मदार को आप धनतेरस और दीपावली के दिन छूकर आ जाए। ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस पर भगवान स्वयं गणेश जी निवास करते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी जी इस दिन निवास करती हैं और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं इस वृक्ष को छूने से। इसमें सभी देवी शक्तियां मौजूद होती हैं। तो धनतेरस और दीपावली के दिन आप मदार, जो सफेद वाला मदार होता है, उसके पास जाना है और एक घी का दीपक जलाना है। फिर उसमें आप इन्हीं कपूर डाल दें और फिर आप सरसों का तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं और फिर आप इस मदार के वृक्ष के को आप छूकर अपनी मनोकामना बोलना है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लगातार घर में धन का आगमन होता रहेगा। माता लक्ष्मी तेजी से आपके घर में धन बरसाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, कपूर और लौंग जरूर आप इसके नीचे जला दें, मदार के नीचे। दोस्तों, आप चाहे तो इस दिन बेल के वृक्ष को भी छूकर आ सकते हैं, इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। बेल का वृक्ष बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना जरूर बोले। साथ ही साथ आप तुलसी के पेड़ को भी जरूर छूकर कुछ बोल दे, अपनी मनोकामना बोल दे, जो भी आपकी मनोकामना है, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं, इसलिए यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए आपके आसपास, तो पीपल के वृक्ष को भी छूकर आ जाएं, यह भी बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसके प्रभाव और बदलाव देखने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर बदलाव आपको नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।